हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में और आपके चैनल में, जिस चैनल में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने का काम होता है। तो आज हम एक अमेरिकी कॉमेडियन, लेखक, निर्माता, अभिनेता, डायरेक्टर्स और टेलीविजन होस्ट के बारे में बात करेंगे और उस व्यक्ति का नाम है जॉन स्टीवर्ट, जो डेली शो कॉमेडी सेंट्रल पर एक व्यंग्य समाचार कार्यक्रम पूरे 16 साल तक किया, जिससे लोगों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। तो चलो जानते हैं उनके जीवन के बारे में। स्टीवर्ट का जन्म न्यूयॉर्क में 28 नवंबर 1962 में हुआ। उनका तब नाम जोनाथन स्टुअर्ट लिबोविट्स था। उनकी फैमिली अमेरिका, पोलैंड और यूक्रेन के यहूदी प्रवासियों थे। आगे स्टीवर्ट जब 11 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वो अपने पिता से काफ़ी हद तक अलग हो गए। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लॉरेंस हाईस्कूल में पूरी की। आगे 1986 में कॉमेडी क्लब सर्किट में अपना हाथ आजमाने के लिए न्यूयॉर्क शहर लौट आए, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। पर द बिटर एंड में अपना स्टैंड अप अपडे बार बनाया। वहाँ उन्होंने अपना नाम जॉन स्टीवर्ट का उपयोग किया। यह उनके और उनके पिता के तनावपूर्ण संबंध के कारण था। घबराने के बावजूद स्टीवर्ट ने एक अच्छी प्रतिष्ठा विकसित की और उन्हें कॉमेडी सेलर में काम करने का मौका मिला। 1993 में स्टीवर्ट को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला, जो डेविड लेटरमैन के साथ NBC के लेट नाइट में दिखाई देने वाले थे। पर इतने करीब आने के बाद भी वह चूक गए, पर उन्होंने अपना पहला टॉक शो द जॉन स्टीवर्ट शो विकसित किया। यह MTV के सबसे लोकप्रिय शो में से एक है। 1999 में कॉमेडी सेंट्रल पर स्टीवर्ट को द डेली शो मिला, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया और ज़्यादा चर्चा में रहा। 9 मार्च 2002 को शनिवार की रात लाइव एपिसोड स्टीवर्ट ने होस्ट किया। आगे 2002 के अंत में स्टीवर्ट को ABC द्वारा नया शो के लिए ऑफर किया दिया। 28 अप्रैल 2009 को क्लिफोन मई के साथ अत्याचार पर चर्चा के दौरान स्टीवर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति हैरी एन्स को जापान के परमाणु बम उपयोग करने के कारण उन्हें अपराधी कहा। पर आगे 30 अप्रैल 2009 को स्टीवर्ट ने अपने कार्यक्रम पर उनसे माफ़ी मांगी। 14 जुलाई 2014 को हिलरी क्लिंटन का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया। आगे 10 फरवरी 2015 को स्टीवर्ट ने डेली शो छोड़ा। नवंबर 2015 में यह घोषणा की गई थी कि स्टीवर्ट HBO के साथ 4 साल का करार किया गया है। 1998 में स्टीवर्ट ने अपनी पहली पुस्तक नेकड पिक्चर ऑफ फेमस पीपल, यह पुस्तक जारी की और यह पुस्तक द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई। स्टीवर्ट ने कई फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिका की है। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस बम मिक्स नट्स में एक छोटी भूमिका की थी। ज़्यादातर उन्होंने TV पे होस्टिंग की भूमिका निभाई है। स्टीवर्ट को कई अवार्ड भी मिले हैं। टेली शो के लिए 2001 से 2015 तक उनको अवार्ड मिले हैं। 2005 में बेस्ट कॉमेडी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। स्टीवर्ट अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उनका नाम आता है। तो दोस्तों, ये थी जॉन स्टीवर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।